डेसिमल नंबर के रेशनल नंबर में चेंज करण का वो है असा जो ताकत है वो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग ये क्वेश्चन है एक है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और असल में ये आयन शाह चाहिए तो क्यों बेसिकली डेसिमल्स आर ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स हन जो मेथड है यानी को टाइप्स है किस्म है वो केड़ो किस्म है एकड़ो है टर्मिनेटिंग एंड सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी बिन किस्म जासा के जवाब मिलंदा या जवाब होंदो टर्मिनेट या जवाब होंदो नॉन टर्मिनेट हाँ टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट असा के फर्क होंदे असा के डेसिमल फ्रैक्शन यानी जेको उन जो फ्रैक्शनल पार्ट आहे उन में जेको जवाब इंदो डेसिमल पॉइंट का पोए जवाब जेकर फाइनाइट थे तो टर्मिनेट आहे जेकर इनफाइनाइट थे तो पियो तो नॉन टर्मिनेट आहे अजो टर्मिनेट की डेफिनेशन दिसो टर्मिनेटिंग डेसिमल छा हो आहे जे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एज डेसिमल्स हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट यानी डेसिमल पॉइंट का पोए जे जो जवाब फाइनाइट थी वने यानी उन जो जवाब लिमिट थी वने तो ओ उन जो नंबर केड़ो काउंट थी दो टर्मिनेटिंग डेसिमल काउंट थी दो अजो कुछ एग्जांपल के आए टर्मिनेटिंग डेसिमल जा वो सॉल्व करें खबर पोंदी तहां टर्मिनेट कियो तो से असन एग्जांपल नंबर 1 आए 1/4 मींस 1 डिवाइड बाय 4 1 के डिवाइड करे ला से 4 सम यानी 1 डिवाइड 4 थी दो तो हाने असन जो जेको 1 नंबर आए उन ते 4 जी टेबल न लगंदी इन करे असन 0.1 करे 0 दिला से यानी इते नंबर दियो तो 10 हाने 10 ते 4 जी टेबल पढ़ा से तो असन जी टेबल वेदी 2 टाइम यानी 2 टाइम वेदी तो असन जवाब इदो 8 पोए सफा करना है 10 मा माइनस 8 करे दा से असन पे दो 2 यानी 2 ते 4 जी टेबल न वेदी इन करे पॉइंट न लाए 0 दिला से 0 यानी 20 नंबर दियो 20 ते 4 जी टेबल 5 टाइम 20 माइनस 20 इक्वल टू 0 तय करे 1/4 इक्वल टू 0.25 हां डेसिमल पॉइंट का को छा दे तो नंबर फाइनाइट है यानी ये जो नंबर आया है ये सदा फाइनाइट है यानी इन का कोई को भी नंबर नथो बचे यानी कर सकते हो से व्हिच इज टर्मिनेटिंग डेसिमल 1/5 1 डिवाइड 5 सेम 1/4 वगैरह ही है हां 1 डिवाइड 5 यानी 1 से 5 के मतलब में 0.1 करे असर 10 करा से 10 से 5 टेबल 2 टाइम 10 माइनस 10 इक्वल टू 0 तय करे 1/5 इक्वल आहे 0.2 जे यानी डेसिमल पॉइंट का कोई जो को नंबर आया है असन जो फ्रैक्शनल पार्ट आहे वो असन जो फाइनाइट दियो तय करे असन जो लासे टर्मिनेटिंग हाने टर्मिनेटिंग नंबर केड़े किस्म जा होगा असन की खबर पे जे तो डेसिमल का को जे जवाब फाइनाइट थी वने तो वो असन जो टर्मिनेटिंग डेसिमल आहे हां कुछ एग्जांपल नोट कर दो 0.5 यानी टर्मिनेट थी 0.25 ऑलरेडी टर्मिनेट है 0.75 1.7227 यानी यो के साथ जवाब डेसिमल का को फाइनाइट बताया था 5.023748 इट इज यानी एनी टाइप या जेके भी फ्रैक्शन होता तो उन्हें के साथ टर्मिनेट चौदा से छा दवा दे टर्मिनेटिंग डेसिमल चौदा से हां इन का को अच्छे तो वाले सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग हां नॉन टर्मिनेटिंग छा है उन जा डेफिनेशन में लिखदा से हम जा एग्जांपल लिखदा से तसा समझ रहा सी तो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेट में डिफरेंस केड़ो आ है टर्मिनेटिंग डेसिमल का कोए भरी से तो पे नॉन टर्मिनेटिंग यानी सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स अ डेसिमल व्हिच कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मा इन जो मतलब यो थियो तो जेको डेसिमल पॉइंट का कोए जेके नंबर इनफाइनाइट अचन उन जो तादाद इनफाइनाइट जे मींस हलंदो रहे तो उन डेसिमल के जवाब से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हां नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जा कुछ एग्जांपल आए उन असा के खबर पेजी ने दी तो की हां असा जो पॉइंट का कोए जेके नंबर आए वो इनफाइनाइट चलता पया यानी एग्जांपल आए 7/9 मींस 7 डिवाइड 9 7 के डिवाइड करा से 9 सम हाँ 7 डिवाइड 9 ये 9 जी टेबल 7 जी लगी है ना करे 0.1 करे 0 डिग्रा से हाँ ये सब पढ़ रहा से 9 जी टेबल ये 9 जी टेबल 70 पे 7 टाइम है जी जवाब ही तो 63 10 10 माइनस 3 7 यानी बड़ी अगेन ऐसा जो 0 ही तो यानी 7 पॉइंट में लाए 0 डिग्रा से 7
मतलब यानी 0.777 सेम नंबर रिपीट थे तो क्यों जने नंबर रिपीट थी तो आ है तो उन्हें कैसा चाहता है हूँ चार्ज है सॉरी देखो नॉन टर्मिनेट थे तो क्यों यानी हलंग तो रहे तो उन्हें कैसा चार्ज चाहता थी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहता थी उन्हें कहाँ पर सेकंड एग्जांपल आए 1.56 अरे 1 की डिवाइड करो आए 6 सम यानी 0.80 निकासी 1 टाइम माइनस निकासी छाती में तो बाबा ऐसा जो फोर्थ में तो हाँ नहीं फोर्थ है सिक्स ही टेबल में तो जीरो निकालते छाती में तो ऐसा जो छत्री है तीन में तो हाँ नहीं तीन बचता वाली चारी नंबर छत्री है माइनस करता तो चार बचता यानी अगेन ऐसा जो सिक्स है जो तो पे हो 36 माइनस फोर मींस वाली ऐसा जो नंबर जीरो 36 यानी ही नंबर हलत तो रहे यानी ऐसा जो जवाब इन चार्ज भी हो नॉन टर्मिनेट यानी किथे भी हो असा जो फाइनाइट नंबर नथो थे त एड़े नंबर से असा चाचदा से नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल चाचदा से हां नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में वरी दो कुछ से वचन थी पयो जे के सा चवायो रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग हां रिकरिंग चाव दिया है एड़ो नंबर जे को नॉन टर्मिनेट रहा है पर सेम नंबर रिपीट थे सेम नंबर रिपीट थे तो वो असा छा सराइदो रिकरिंग नंबर सराइदो एड़ो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जको हो उनमें जे करे नंबर रिपीट नथा थियन तो उन के असा चवा ते नॉन रिकरिंग रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग अचो आने अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल इन व्हिच अ सिंगल डिजिट और अ ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इज रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल्स उन के असा चा चवा से आने अरविंद का बुझा चुको है रिकरिंग छा होदो जेको पॉइंट का कोई नॉन टर्मिनेट आहे पर उन में कंडीशन केडी आ वो नंबर सेम अचे यानी जी असा लिखो 0.3333 यानी इन जो मतलब आए डेसिमल का कोई जवाब तो नॉन टर्मिनेट का है पर उन जो को नंबर आए वो रिपीट थे तो पयो जने रिपीट थे तो पयो तो उन का चला से रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिकरिंग एंड नॉन डेसिमल हाँ इतनो डिजिट आए ब्लॉक जो छा मतलब आए ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मींस किते अ नंबर भी पान में रिपीट थीला अचवाण वो नंबर के रिपीट थीला फॉर एग्जांपल असा जो नंबर आए 0.141414 यानी इन में वो ब्लॉक है करा वो डिजिट आए यानी ब्लॉक की सूरत में रिपीट थे तो पे होता एड़े नंबर्स के में चार ला दे रिकरिंग डेसिमल चवंदा से हाँ ही तो डेसिमल जा टाइप है अब जिके सापड़ी आया से टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग पर उन्हें में सापड़ी से रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग मतलब जैसे तमाम डेसिमल के फ्रैक्शन या फ्रैक्शन के डेसिमल में चेंज करने में तो उसे तमाम के कुछ एनी टाइप जा जवाब मिलता जिके तमाम के छा बताएं जा टर्मिनेट छा है या तमाम जो नॉन टर्मिनेट छा है फिर तमाम एक्सरसाइज में एनी टाइप जा क्वेश्चन होगा जिके तमाम के सॉल्व करना है So be prepared. Thank you.